हाय, वेलकम बैक। आज मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया नया करेंसी नोट दिखाऊंगा। अभी जो नया 500 रुपये और 2000 रुपये नया आया है वो आपको दिखाना चाहूंगा और इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये है नया 2000 रुपये और ये है नया 500 रुपये। तो ये नया करेंसी में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये 500 रुपए में यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैंपेनिंग है स्वच्छ भारत के लिए। ये दोनों में है और इसमें लाल किला दिखाया गया है और 2000 रुपए में मंगलयान दिखाया गया है। 2000 रुपए में एक फ्लॉ है, आप अगर ध्यान से देखिएगा ये प्रिंट पर, तो यहाँ पर 2000 रुपये लिखा हुआ है, जो कि हिंदी में 2000 रुपये होना चाहिए, वहाँ 2000 रुपये लिखा गया है। ये एक फ्लॉ है और इसके बारे में मैं ये बताऊंगा। अगर आप पुराने 1000 रुपये से कंपेयर करें, ये है पुराना 1000 रुपये, अगर आप साइज कंपेयर करें तो ये रहा साइज कंपेरिजन। इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है 1000 रुपये वाला का, और नया करेंसी का थोड़ा सा कम है। अगर आप लेंथ पे भी देखेंगे, देखिए कितना छोटा है। तो ये छोटा करेंसी बनाया गया है इस बार। और गांधी जी का जो इमेज देखिएगा, ये और ये गांधी जी का मिरर इमेज है। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है, ये नया करेंसी प्रिंट करवाने में 13 रुपये खर्चा हुआ है, 13 रुपीज़। इसमें मंगलयान के बारे में दिखाया गया है और मुझे याद आता है एक 2 रुपये की करेंसी पहले आता था, उसमें आर्यभट्ट सैटेलाइट के बारे में बताया गया था। अगर हम इसको 20 रुपये के करेंसी के साथ कंपेयर करें, 20 रुपये अभी चलता है, तो ये रहा उसका करेंसी साइज, 20 रुपये, थोड़ा सा थिकनेस में कम है, हल्का सा, अगर देखें तो हल्का सा कम है। अगर लेंथ पे अगर देखें तो ये हुआ 20 रुपये का करेंसी का लेंथ और ये हुआ 2000 रुपये का करेंसी का लेंथ, थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं 2000 और 500 को कंपेयर करूं तो विड्थ सेम है और लेंथ पे 500 रुपये थोड़ा सा कम है। और मैं इसका डिज़ाइन के बारे में, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। ये कलर कोड, ये वायलेट कलर कोड है और 1000 रुपीज़ का रेड कलर कोड था और ये ग्रीनेस है लेकिन थोड़ा सा डार्क वेरियंट है। तो मुझे ये करेंसी पर एक डिसअपॉइंटमेंट है, ये जो करेंसी का एज को वाइट रखा गया है, ये थोड़ा सा अजीब दिखता है। ये करेंसी जैसा अचानक नहीं दिखता है मुझे, जैसे बॉर्डरलेस प्रिंट होता है। ये देखिए, इसका प्रिंट बॉर्डरलेस है और इसका जो प्रिंट है, ये हालांकि बॉर्डरलेस नहीं है लेकिन ये व्हाइट कलर इसको बॉर्डरलेस दिखाता है। तो ये करेंसी के हिसाब में थोड़ा सा इतना इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता है। और गांधी जी का मिरर इमेज से मैं थोड़ा सा ये हूँ, उनका रियल इमेज होना चाहिए और यहाँ पर मिरर इमेज क्यों रखा गया है वो एक बात है। और इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, करेंसी काफ़ी छोटा भी है और अगर पेपर की क्वालिटी भी अगर देखा जाए तो पेपर क्वालिटी ये थोड़ा सा पतला है। कहा जाता है कि वाटर रेजिस्टेंट है और हालांकि मैं इसको वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट अभी नहीं करूँगा। तो और इसमें वाटर मार्क भी है, अगर हम इसको लाइट में देखेंगे तो इसमें वाटर मार्क भी दिखेगा और इसमें 2000 रुपये भी लिखा हुआ है वाटर मार्क के साथ। तो ये जो नया करेंसी में अगर गांधी जी का तस्वीर आया, तो न्यू जनरेशन के हिसाब में विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे रिफॉर्मर्स जो हैं, जो कंट्री के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किए हैं, उनका नाम भी रहना चाहिए था। तो कुल मिलाकर जो नया करेंसी का डिज़ाइन है, ये एक मुझे कंटीजेंसी डिज़ाइन लग रहा है, जैसे कोई टेम्परेरी करेंसी है, मुझे उस टाइप का फील हो रहा है। और इवन अगर मैं उसका पुराना 20 रुपीज़ से कंपेयर करूंगा तो मुझे वो ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा है, ज़्यादा ज़्यादा इम्प्रेसिव दिख रहा है। तो ये था आज मेरा करेंसी के बारे में रिव्यू। आपके पास और एक टॉपिक लेकर आऊंगा,
आपको अगर ये कंटेंट, ये चैनल के कंटेंट पसंद आता है तो फिर आप कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।